चौहान फ्रॉम कानपुर। साथियों, मेरा नाम जय सिंह चौहान है। मैं बिजनेस अपनी पत्नी डॉक्टर नीलम चौहान और बेटे विक्रम के साथ में पिछले 22 साल से बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके प्लान देख के नहीं किया था। मेरे ऑफिस के दोस्त ने टेलीफोन पर यह बिजनेस मुझे बताया था। एक दो मैंने सवाल पूछे थे और जो है एक दो उनका उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद मैंने बोला था सुबह पैसे ले जाना, और उस समय पैसे से ज्वाइनिंग होती थी और इतने से इसकी शुरुआत हुई थी। हमें नहीं मालूम था इसमें प्रोडक्ट्स क्या है, और हमें नहीं मालूम था इसमें पैसे भी क्या आएंगे। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कितनी नॉलेज थी कि इसमें जब फॉर्म भरा जाता था तो उसमें एड्रेस लिखते थे, और एड्रेस में जिस मकान में कानपुर में मैं किराए के मकान में रहता था, तो मैंने उस मकान का एड्रेस नहीं डाला था, बल्कि मेरी वाइफ के चाचा जी का मकान था वहीं पास में थोड़ी दूर पर, और उनका खुद का मकान था, तो मैंने वो एड्रेस उनका डाला हुआ था कि ये सोच के कि ट्रांसफर हो गया, पता नहीं किस शहर में जाएंगे, और ये जो पैसे आज 4,200 रुपए दे रहे हैं, इसका कितना पैसा लौट के कब आएगा, और हम शिफ्ट हो गए तो कम से कम उस एड्रेस पर आएगा, मुझे पता तो चल जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें हर महीने पैसे मिलते हैं, क्या काम करना होता है और कैसे करना होता है। तो बहुत लंबी कहानी है, किट आई, प्रोडक्ट्स आए, महंगे लग रहे थे, राइट, फिर अपलाइन आया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया तो पता लगा प्रोडक्ट्स तो दमदार हैं लेकिन कॉस्टली हैं। तो सोचा कि चलो मैं अपनी एसोसिएशन में, मैं जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी था, कि अपने लोगों को मैं सबको इसमें ज्वाइन कराऊंगा, उनको प्रोडक्ट यूज कराऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। इस छोटी सी सोच के साथ में हम इस बिजनेस में आए थे, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग्स देखी, बिजनेस प्लान देखा, सेमिनारों में गए और क्लैरिटी होती चली गई, तो ये बिजनेस में समझ में आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले महीने में, ये अक्टूबर 98 में ठीक दीपावली के दिन मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, राइट। दिवाली का दिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और मैं तो ये मानता हूं कि मैंने जो साइन किए थे उस पेपर पे, और वो दिन है और आज का दिन है, हमारी तो रोज दिवाली बनती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं इस बिजनेस में मैंने काम करना शुरू किया, राइट, तो पहले तो पता ही नहीं था क्या काम है, लेकिन अपलाइन जब बोलती थी, मेरे सीनियर जिनको अपलाइन बोलते थे कि मीटिंग करा लो, तो मैं मीटिंग करा लेता था। और दिसंबर के महीने में, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, नवंबर में मैंने कुछ काम नहीं किया, और दिसंबर के महीने में मैंने इस बिजनेस में 3% का लेवल क्वालिफाई किया 200 PV पर, और उस समय जो पेमेंट आता था वो चेक के द्वारा आता था, और वो भी चेक 15 तारीख को जारी होती थी, 18 19 तारीख को 20 तारीख के पहले चेक डिलीवर हो जाती थी। चेक आई हमारे पास में, हमारा साइट का काम था, मैं पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर था, तो लेट नाइट जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने बोला कि बधाई हो, एमबे की चेक आई है। तो मैंने कहा कि कहां है, लाओ, तो बोले बहुत भारी है, मुझसे उठेगी नहीं, तुम ही ले लो। तो मैंने कहा ये तो बता दो अमाउंट कितना है उसमें, तो उन्होंने बोला कि वो गलती से 4 की जगह 3 लिख गए, राइट। तो मैंने उठ के जब देखा वहां पे, तो वो 320 रुपए की चेक थी, मेरी वाइफ का, आशा आप समझ गए होंगे, और वो चेक थी वैश्या बैंक की। वैश्या बैंक का हमने नाम भी नहीं सुना था, और जब हम लोगों से बात करते थे तो लोग बोलते थे अरे इतने पैसे ले रहे कंपनी भाग जाएगी, तो दिमाग में आया कि अरे यार चेक भी दी तो उन्होंने ऐसे बैंक की दी कि ये अब ये कैश भी होगी क्या, राइट, इतनी समझ थी। फिर जब पता किया तो मालूम हुआ कि जो प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, पता नहीं शायद नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं, उनमें जो सबसे हाईएस्ट रेपुटेशन की जो बैंक थी उस समय वो वैश्य बैंक थी, और कानपुर उनकी सिर्फ एक ब्रांच थी, और मालूम कहां पे थी, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जहां करोड़ों के टर्नओवर्स होते हैं। थोड़ा विश्वास बना, 320 रुपए एक पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर के लिए क्या माने रखते हैं। उस समय हमारे पास जो पावर थी कि 500 रुपए के वाउचर्स पे हेड डाल के दिन में कितने भी वाउचर हम कैश कर ले, कोई पूछने वाला नहीं था, और महीने भर काम करने के बाद में 320 रुपए आए, आप समझ सकते हो कि वो 320 रुपए कितने बड़े लगे होंगे। लेकिन अगले महीने जब हमने काम किया तो हमने 6% क्वालिफाई किया, मेरी दो टीम ने 3-3% क्वालिफाई किया, और मेरा जो चेक अमाउंट था वो 1,000 रुपए के बराबर के आसपास था। इस बात ने मुझे मोटिवेट किया, क्यों मोटिवेट किया, क्योंकि जितना काम मैंने पहले महीने किया था सेम अमाउंट ऑफ वर्क उतना ही काम मैंने दूसरे महीने किया, और मेरी जो इनकम थी वो 3 गुनी हो चुकी थी। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो मुझे समझ में आई और करना शुरू किया। और 10वें महीने जब मैं सिल्वर प्रोड्यूसर हुआ था तो पहले महीने की चेक के अमाउंट का 150 गुने से भी ज्यादा
अमाउंट का जो आया था, तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये शुरू में नहीं समझ में आती है, समझ में आई धीरे धीरे सेमिनार देखे और ये काम होना शुरू हुआ। दूसरे महीने में मेरा 6% का बिजनेस हुआ और मुझे लगा यार तो बहुत, मैंने और तेजी से करना शुरू किया और खूब समझाता था और लोग मना कर देते थे, उससे मैं बहुत अपसेट होता था। मेरे अपलाइन अमित सर दिल्ली से कानपुर एक बार आते थे, जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये इतना अच्छा बिजनेस है तो इसको सब लोग करते क्यों नहीं। तो हमारे अपलाइन की आदत है कि वो सवाल का उत्तर सवाल पूछ के देते हैं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि मॉर्निंग वॉक करना अच्छा काम है कि बुरा काम है। मैंने बोला ये तो सर बहुत अच्छा काम है। तो फिर उन दूसरा सवाल था तो सब लोग करते क्यों नहीं, अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने बोला कि सब लोग सब काम नहीं करते अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं है ना, जिसको समझ में आएगा वो करेगा। अब जब मैं प्रोडक्ट की बात करता था, जब मैं लोगों से बिजनेस की बात करता था शुरू में, तो लोगों को लगता था कि उस समय परसेप्शन लोगों को लगता था कि शायद मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था कि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ठीक है ना। तो ये समझ के उनको लगता था कि ये बिलो डिग्निटी काम है, ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं। और जब मैं उनको प्रोडक्ट की बात करता था तो वो यूं बोतल को टेढ़ा करके जब उसके रेट देखते थे बोलते थे ये तो बहुत महंगे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये जो बिजनेस, जब एक सेम अमाउंट, जब एक आदमी से जब मैं बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि ये जो बिजनेस है ये बिलो डिग्निटी उनके स्टैंडर्ड से नीचे का है, और जब मैं प्रोडक्ट्स की बात करता था तो उनको रिस्पॉन्ड करते थे कि ये प्रोडक्ट्स उनके स्टैंडर्ड से ऊपर के हैं। तो ये है किसके लिए। जब मैं कन्वेंशन में April 1999 में जब मैंने कन्वेंशन देखा जहां मुझे अपना ड्रीम मिला, तो और वहां पर पूरी सक्सेस दिखी, तब जाके पता लगा कि ये जो बिजनेस है ये ना छोटे ना आम आदमी का, छोटे आदमी का है और ना ये बड़े आदमी का है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जिनको मौका नहीं मिला है। और वो दिन है और आज का दिन है कि हम काम करते हुए चले जा रहे हैं, राइट ना। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, खासतौर से नए लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी काम शुरू करिए उसमें बहुत सारे नोज मिले ना मिलेंगे, और फिर कहीं कहीं हाँ मिलेंगे, यहाँ पर भी ना मिलेंगे फिर कहीं कहीं हाँ मिलेंगे, ना आपको डिस्करेज नहीं होना, आप खड़े रहिए। ये क्रिकेट मैच के जैसा है कि आप क्रीज पे खड़े रहिए, आपके रन बनेंगे, आपकी कोशिश से नहीं बनेंगे तो बॉलर की गलती से बनेंगे। कभी तो वो नो बॉल फेंकेगा, कभी तो वो व्हाइट बॉल फेंकेगा, और ऐसे एक एक करके आपके रन बनने शुरू हो जाएंगे, राइट। पर अगर क्रीज से हट जाए कोई बैट्समैन, कितना भी चैंपियन बैट्समैन हो, अगर वो क्रीज से हट जाए तो एक रन बना के दिखा दे। आप यहां बने रहिए, जब आप बने रहेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं टिकट लेने के लिए और टिकट की जो है खिड़की पे बहुत लंबी लाइन होती है, हम सबसे पीछे खड़े होते हैं और थोड़ी देर बाद हम थोड़ा आगे दे सकते हैं, हम देखते हैं हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। क्या हमने किसी को इन्वाइट किया वहां पर? नहीं किया है, वो सब अपने आप आए। यहां पर भी ऐसा ही होगा, राइट। जब मैं बिजनेस करना चाह रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था, बहुत स्ट्रगल हो रहा था, और हमारे जो अपलाइन डायमंड है हमेशा मुझे जो है मोटिवेट करते थे कि चौहान देखना एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, पूरे यूपी में बिजनेस होगा, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस होगा, और बड़े बड़े लोग तुम्हारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और वो बिजनेस को बिल्ड करेंगे, और देखना एक दिन एमवे इंडिया का टर्नओवर 1,000 करोड़ का होगा। और मैं सोचता था कोई तो मेरी सुनता नहीं है, कोई तो बनता नहीं है, तो फिर ये बड़े बड़े लोग कहां से मेरे बिजनेस में आ जाएंगे, कहां से मेरा बिजनेस पूरे यूपी में पहुंच जाएगा, और कहां से मेरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगा। और एमवे के प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, हर कोई तो बोतल टेढ़ा करके देखता है और फिर कहता है अरे ये तो बहुत महंगे हैं, तो ये टर्नओवर इनका 1,000 करोड़ का कहां का हो जाएगा, राइट। और समय बीतते हुए देने लगी कि कब एमवे का 1,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो गया, और अब तो उससे कहीं बहुत आगे है। और आज मैं जो मेरा बिजनेस है इंडिया के हर स्टेट में हमारा बिजनेस है, आज प्राउड फील होता है कि आज सब तरह के लोग हमारे बिजनेस में है और हमें मौका मिला है उनको लीड करने का, है ना, उनकी हेल्प करने का, उनको ग्रो कराने का, उनके बिजनेस को बड़ा करने का। और वो काम है वो मैं तब से लेके लगातार कर रहा हूं, मेरी जिंदगी बदली है, उनकी भी बदल रही है, और हम एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त बिजनेस है, पैसिव इनकम का बिजनेस है, जिंदगी को अपने तरीके से अगर जीना चाहते हो फ्रीडम के साथ में, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।